जनाधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने पीसी कर पार्टी सुप्रीमो के अविलंब रिहाई की मांग की है। कुशवाहा ने बिहार सरकार से सीधा सवाल करते हुए कहा कि किस अपराध में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को 2 माह से जेल में रखा गया है, जहां प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार के न्यायिक इतिहास में दूसरा कौन वो व्यक्ति है जिसे अति सामान्य मुकदमे में सिर्फ बेल टूटने पर इतनी लंबी अवधि तक हिरासत में रखा गया होगा। पार्टी सुप्रीमो को जेल में रखे जाने को अन्याय करार देते हुए कुशवाहा ने कहा कि बिहार की जनता के मन में तीखा सवाल कौन रहा है कि ये न्याय है कि अन्याय। हमारी मांग है कि बिहार सरकार जल्द से जल्द पप्पू यादव को रिहा करे। बिहार की जनता ये जानना चाह रही है कि 60 दिनों के अंदर में कौन ऐसा कसूर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है जो कि एक अदने मुकदमे में बेल टूटने के कारण उनको 2 महीने से बेल नहीं दिया जा रहा। ऐसा कोई उदाहरण अभी तक हम जानना चाहते हैं बिहार के न्यायिक इतिहास में कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो, दूसरा व्यक्ति जिसको बेल टूटने के कारण 2 महीने तक जेल में रहना पड़ा, अगर कोई ऐसा उदाहरण है तो हम बिहार सरकार से जानना चाहते हैं। यही न्याय है क्या? जिस केस को बिहार सरकार को 32 साल पहले खत्म कर देना चाहिए, जब दोनों पार्टी ने सुलहनामा लगा दिया था कोर्ट में, तो इस केस को खत्म कर देना चाहिए। ऑलरेडी इस केस को खत्म करने के लिए हाई कोर्ट में क्वेस्ट पिटीशन डाला भी गया हुआ है, लेकिन सरकार की द्वेषपूर्ण राजनीति की वजह से ये केस को जिंदा रखा गया और जो व्यक्ति सदन में 5 बार एमपी रहा हो, 1 बार विधायक रहा हो, उसको भगोड़ा साबित किया गया। यह कहां का न्याय है? जनता के दिमाग में ये सवाल खोज रहा है कि ये न्याय है कि अन्याय है। इस असमंजस से आप बिहार सरकार को, जनता को निकालना होगा। ये सीधा सवाल हमारा बिहार सरकार से है कि आप जो अनदेखी कर रहे हैं जनता के हितों की, उस अनदेखी को अगर आप पप्पू यादव जी को जेल में रख करके चाहते हैं कि बिहार के जनता को हम सड़कों पर नहीं उतरने दे, तो ये आप भूल कर रहे हैं। हम लोग भी अब पूरी तरह से संघर्ष करने के मूड में, आर और पार के मूड में हम आ गए हैं। हम लोग, हमारी बैठक कल हो रही है, हमारी केंद्रीय कोर कमेटी की बैठक कल होगी और आगे क्या संघर्ष का रुख अख्तियार हम लोग करेंगे और ये घोषणा आप लोग के सामने हम लोग करेंगे कि किस तरह से हम इस सरकार का ईंट से ईंट बजाएंगे।